महाधार्मिक मास कार्तिक मास कार्तिक मासर पंचुक व्रत रे व्रतधारी मानक समेत भक्त श्रद्धालु माने महाप्रभुंकर विभिन्न वेश को दर्शन करी कृतार्थ होइथांती। गत काली कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि रे महाप्रभुंकर लक्ष्मीनारायण वेश अनुष्ठित होइतिबा बेले आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि रे महाप्रभुंकर बांकचूड़ वेश अनुष्ठित हेबो। आमे संपर्क रे विस्तृत आलोचना करबा पंडित राजेश महापात्र आम सहित जोड़ छथि। बड़ पवित्र दिन गत काली लक्ष्मीनारायण वेश रे महापुरुष श्रृंगार होइतिले, आज बांकचूड़ वेश। आम दर्शक मानक टिके जणंतु किंबदंती कोन कहे शास्त्र कोन कहे बांकचूड़ वेश रे महापुरुष केमिति देखा जांती एवं बांकचूड़ वेश रा तत्व कोन महत्व कोन। जय गोविंद गोकुल सुंदर, जय राम अनुज दामोदर, जय कंसारी जगत कारण, जय अनादि जो प्रभु होती जगतर कारण। माने जहाँ तोर आज्ञा सिरे धरी विरमचि चतुर्दश भुवन अच्छी रमचि तुण जो प्रभुंर आज्ञा रे ब्रह्मा सृष्टि सर्जना करती चलु सबूतरी आज्ञा रे इंद्रादि सकल देवता आज्ञा को चाहे बसी था से महाप्रभु ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में दिव्याति दिव्य लीला करुछंती। कौन तंकर लीला ना मोर भक्त आसवे मोर बेश को देखिए। कार्तिक मास महापुण्य मास कार्तिक नकार्तिक समो मास कार्तिक मास पूरी मासटे ना यद्यपि गीतार प्रभु कहले मास भितर मुझे मार्गशीर तथापि धर्म दृष्टि पुण्य दृष्टि महत्व ये कार्तिक ही रही आमको अधिक पुण्य प्रदान करें ये कार्तिक मास पवित्र महाकार्तिक मास तेणु यही कार्तिक मास रे महाप्रभु जी कार्तिक व्रत को न करि पारंती सी यदि शेष पांच दिन पंचक को पालन करती तबे कार्तिक मास रो फल मध्य प्राप्त ही थाए समानंकु। एवं ये पंचक रे पांच दिन महाप्रभु स्वतंत्र वेश रे दर्शन दे थामती निज भक्त मानंकु। भक्त लागि मु साजे नाना वेश, भक्त लागि सबु लीला, भक्तों लागि अवतार, भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभ हेलो उदित भृत्यर भृत्य पर तेणु भक्त कहला मो प्रभु स्तंभ अच्छा भक्त सबकि महाप्रभु करती मुटे भक्तर दास भक्त मोहर सर्वस्व सर्वस्व होती भक्त महाप्रभुंर तेणु आज कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आज महाप्रभुंर बांकचूड़ वेश बांकचूड़ वेश कालिया सामंत अगणित अनंत भक्त मानक आज दर्शन देवे कृतार्थ करे आज भक्त मान दर्शन करके कहे प्रभु निस्तरिलु निस्तरिलु धन्य हेलु मणिमा बांकचूड़ वेश अक्रूर जितेबले कंसर प्रेरणा द्वारा जाते भगवान को आणवाई कृष्ण बलराम को से अक्रूर से बेशर दर्शन करते महाप्रभुंर बांकचूल अपूर्व बेश दर्शन करी अक्रूर धन्य हो जाते गाई दुहू दुहू भगवान गाई दुहू थे से समय केश फीटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नाही नाही तो महाप्रभुंक परी सामंत जगत भितर जतेक ठाकुर आ प्रभुंक परी ठाकुर ये विश्व ब्रह्मांडर कौटी नाम आज द्वादशी श्रीमंदिर आज गरुड़ से विषय आलोचना करवा कितु बड़ कथ हूँ पौराणिक किंवदंती को आधार कर बांकचूड़ बेश अनुषित होते आप जो कौन एवं बड़ कथ हूँ आज गरुड़ उत्थापन द्वादशी हरिशयन एकादशी आषाढ़ शुक्लपक्ष एकादशी होता कार्तिक शुक्लपक्ष एकादशी से हरि उत्थापन एकादशी होता आज तर बाहन बाहन गरुड़ आज उठे ये किभली भाव रही है ये नीतिकांति स्वतंत्र कौन रही है। आषाढ़ शुक्लपक्ष एकादशी तिथि महाप्रभुंर राजराजेश्वर वेश से दिन अनुष्ठित होते से दिन हरिशयन एकादशी महाप्रभु से दिन शयन करते शयन ठाकुर शयन करते चारिमास काल महाप्रभु शयन कले जहाँ चतुर्मास्य कहुए एवं गत काली कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन महाप्रभु हरि उत्थापन एकादशी देव उत्थापन एकादशी भगवान से दिन निद्रारु उठी थे गत काली एकादशी दिन एवं जेहेतु हरिशयन एकादशी गोटे दिन पर द्वादशी दिन गरुड़ शयन करते प्रभुंर प्रिय वाहन एवं ठीक से हीपरी जेहेतु प्रभु एकादशी जाग्रत होती निद्रारु चारिमास धरी निद्रा सुख को भोग कर सारे परमेश्वर जगन्नाथ उठिछंती सृष्टि पारण परिपालन करिबा निमन्ते एवं सेई न्याय रे गोटे दिन पर अर्थात आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी दिन प्रभुंकर प्रिय वाहन प्रिय सेवक गरुड़ महाराज आज उठिबे गरुड़ उत्थापन द्वादशी मध्य आज ये नीति मध्य श्रीमंदिर मध्य अनुष्ठित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित आपण शुणुले पंडित राजेश महापात्र विस्तृत भाव में आज बड़ पवित्र दिन महाप्रभु आज बांकचूड़ वेश लक्षाधिक भक्त समेत हबिशाली व्रतधारी मानक दर्शन देती सेपटे आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि गरुड़ उत्थापन नीति अनुष्ठित हेब एवं बड़ कथा हूँ भक्त श्रद्धालु मैंने महाप्रभुंर यह दिव्य वेश को दर्शन कर सानिध्य हे और आसंता का महाप्रभुंर त्रिविक्रम वेश अनुष्ठित हे जेहेतु चतुर्दशी तिथि क्षय रोच चलित बर्ष लक्ष्मी नृसिंह वेश दर्शन साधारण भक्त श्रद्धालु मैंने वंचित रे श्रीमंदिर सिंहद्वार परिसर वीडियो जर्नलीस्ट विक्रम आलोक सतोष अर्गस न्यूज।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।